नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, काफी ज्यादा लंबे समय से हमारे व्यूअर्स इस टॉपिक पर वीडियो लाने की लगातार कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट डाल रहे थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पार्टीशन सूट के बारे में, यानी कि वह स्थिति जब आप लोगों को जो संपत्ति में बंटवारा करके दिया जाता है वह कोर्ट की तरफ से होता है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगा कि पार्टीशन सूट कैसे फाइल किया जाता है। इसके अलावा साल 2023 की दो बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पार्टीशन सूट से रिलेटेड है, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि पार्टीशन सूट आप अपने माता और पिता की सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि स्व अर्जित संपत्ति में भी कर सकते हैं और वो उनके जीते जी, किंतु एक कंडीशन वहां पर होनी चाहिए और वो जो कंडीशन है वो रेलिवेंट जजमेंट के साथ मैं आज आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो पार्टीशन सूट से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्लियर कर दूं। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग मुझसे लीगल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, जिस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं वो है पार्टीशन सूट। अब पार्टीशन सूट आखिरकार कोर्ट में डालना ही क्यों पड़ता है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, अक्सर लोग अपनी पारिवारिक, जिसे हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहते हैं, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसके अंदर बंटवारा करके अपना हिस्सा पाने के लिए कोर्ट से पार्टीशन सूट फाइल करते हैं। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या पार्टीशन करने के लिए हमेशा कोर्ट ही जाना पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, ये सबसे आखिरी स्थिति होती है। इससे पहले अगर आप लोगों के बीच प्यार प्रेम है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सभी पारिवारिक लोग राजी हैं बंटवारा करने के लिए, तो आप एक पार्टीशन डीड बना सकते हैं। पार्टीशन डीड भी एक ऐसा दस्तावेज होता है जहां पर संपत्ति का विभाजन करके सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन करके दो विटनेस के साइन कराते हुए उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाया जाता है और उस दस्तावेज के तहत जैसे संपत्ति का बंटवारा हुआ है उसी प्रकार से पार्टीशन हो जाता है। अब दोस्तों, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जब पारिवारिक सदस्य पहले से मौखिक बंटवारा किए हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप उस मौखिक बंटवारे को एक कागज पर उतार लेते हैं जिसको मेमोरेंडम कहा जाता है, यानी कि फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। वो बेसिकली पहले किए गए मौखिक बंटवारे को कागज पर रिटर्न तौर पर रखने के लिए किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में उस मेमोरेंडम दस्तावेज को रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी जजमेंट में ऐसा क्लियर कर रखा है। इसके अलावा अगर एक वो मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट आप बनवा रहे हैं तो वहां पर सभी पारिवारिक सदस्य के साइन होने अनिवार्य हैं और इसके बाद दो विटनेस के साइन भी आप वहां पर जरूर लें। हाँ, फिर से बता दूं, उस मेमोरेंडम को रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं होता। अब दोस्तों, तीसरी सिचुएशन बनती है पार्टीशन सूट। ये वो स्थिति है जब पारिवारिक लोग खुश नहीं है, आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, खुशी खुशी आपका संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे। ऐसी सिचुएशन में आपको कोर्ट का सहारा लेना होता है, एक एडवोकेट के माध्यम से आपको कोर्ट में पार्टीशन सूट दाखिल करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपको वीडियो बड़ी ध्यान से समझनी होगी, कुछ नए पॉइंट्स यहां से आपको क्लियर होंगे। देखिए, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि स्व अर्जित संपत्ति। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर, क्या हम अपने पिताजी ने जो खुद से संपत्ति खरीदी है उसका बंटवारा करके अपना हिस्सा ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आज आपके पिताजी जीवित नहीं है, वो कोई विल वसीयत नहीं बनाकर गए, वो एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बन गई है, अब उसके अंदर आप बंटवारा करके अपना हिस्सा ले सकते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो वो आपके पिता की माता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अगर उसको खरीदने में आपका खुद का पैसा भी लगा है, तो आप अपने माता पिता के जीवित रहते उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में पार्टीशन करते हुए जितना आपका पैसा लगा है उसके हिसाब से अपना हिस्सा अलग कर सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो ऐसा होता है जहां पर आप अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, जो आपके पिताजी के नाम से हो, माताजी के नाम से हो, उसमें जितना आपका हिस्सा लगा है, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उतना शेयर अपना अलग करवा सकते हैं बाय पार्टीशन सूट। और बहुत सी कंडीशन में डिक्लेरेशन भी वहां पर फाइल करना पड़ता है।
अब दोस्तों साल 2019 की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, सचिन एंड अनदर वर्सेस झब्बू लाल अनदर, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, डिस्प्ले पर भी दिखाई देगी। यहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यही कहा था कि अगर एक फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो बेटा उसमें अपने फादर के जीते जी बंटवारा नहीं करा सकता। हाँ, अगर बेटे का उसमें पैसा लगा है संपत्ति को खरीदने में, तब वो ऐसी सिचुएशन है जब अपने पिता से उस हिस्से की मांग करके जितना उसका पैसा लगा है वो अपना शेयर अलग करवा सकता है। अब दोस्तों ये आ गया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का कंसेप्ट। इसके बाद बात आती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की। देखिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, इन दोनों संपत्ति में आपका अधिकार होता है। आप यहां पर डायरेक्टली पार्टीशन सूट दाखिल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि साकेकार सर किस लॉ के तहत पार्टीशन फाइल सूट किया जाएगा। देखिए, इसके लिए हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रोविजन देखने होंगे, पार्टीशन एक्ट देखना होगा, इसके अलावा सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जैसे कि सेक्शन 54 ऑर्डर 20 रूल 18 इसके बारे में बात करता है, ऑर्डर 26 रूल 13 इसके बारे में बात करता है। ये सारी चीज वहां पर एनालाइज की जाती है जब एक पार्टीशन सूट दाखिल किया जा रहा हो। इसके अलावा लेटेस्ट जजमेंट क्या कहती है, क्या आपका हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, ये सारी चीज एनालाइज करने के बाद ही पार्टीशन सूट कोर्ट में डाला जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों लोगों के मन में कुछ और बेसिक्स क्वेश्चन रहते हैं कि कौन एक पार्टीशन सूट दाखिल कर सकता है। देखिए, अगर आपका उस संपत्ति में हिस्सा बनता है तो आप पार्टीशन सूट डायरेक्ट दाखिल कर सकते हैं। अब आपका हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, ये आप एक एडवोकेट से गाइडेंस लेते हुए वहां पर क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं, अब ये बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है। देखिए, सबसे पहले आपको एक सर्टिफाइड कॉपी या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए उस प्रॉपर्टी का जिस पर आप बंटवारे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उसके और डेमोग्राफिक डॉक्यूमेंट, जैसे कि लैंड कितने बाय कितने का है, बाउंड्री वॉल कितने की है, ये सारा डिस्क्रिप्शन जो प्रॉपर्टी का है आपको बाय डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। अब क्या वो आपकी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ये चीज आपको दिखानी पड़ती है। कैसे, जैसे कि आप बैंक में जाकर म्यूटेशन चेयर निकाल सकते हैं, जिसके नाम प्रॉपर्टी थी उसका डेथ सर्टिफिकेट ले आए, एक लीगल ईयर सर्टिफिकेट ले आए, ये सारी चीज वहां पर डिस्क्राइब करती है कि ये प्रॉपर्टी पर आपका कितना शेयर किस हक से बनता है। अब एक लिमिटेशन टाइम भी एक्ट करता है कि कितने समय का लिमिटेशन टाइम होता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 116, आर्टिकल 65, शेड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट, ये दोनों चीजें 12 साल की समय सीमा प्रोवाइड कराती है जब आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस क्लेम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका संपत्ति पर हिस्सा बनता था, किसी आउटसाइडर ने वहां पर कब्जा कर लिया, तो विद इन 12 ईयर आपको संपत्ति को वापस क्लेम करके पार्टीशन सूट डालना पड़ेगा। तो 12 साल का ये लिमिटेशन टाइम होता है, उसके भीतर ही आपको कोर्ट में पार्टीशन सूट दाखिल करना पड़ता है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर पार्टीशन सूट कितने टाइम में कंप्लीट होता है। कोई कहता है 10 साल लग जाएंगे, कोई कहता है कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस गए तो 20-20, 15-15 साल खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा तो हम कोर्ट ही ना जाए। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए, एक कोर्ट प्रोसेस होता है जो हर एक एडवोकेट को, हर एक क्लाइंट को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना सूट फाइल करना पड़ेगा, पार्टीशन सूट डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। उसमें आप अपनी रिलीफ मांगते हैं कि मेरा इतना शेयर बनता है, इतना मुझे दिला दीजिए। इसके बाद यहां पर क्या होता है, सामने वाली पार्टी को समन भेजे जाते हैं कि भाई आपके खिलाफ ये केस डाला गया पार्टीशन, जो आपके कोपार्टनर या अलग फैमिली मेंबर्स हैं उनको कोर्ट में आना पड़ता है। फिर इस सिचुएशन में कोर्ट में उनको बुलाने से पहले आपको कोर्ट फीस सबमिट करनी होती है, जो एडवोकेट आपके साथ स्टैंड कर रहा है उसका वकालतनामा कोर्ट में फाइल होता है। अब जब वो दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी कोर्ट में आ जाती है तो एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करती है। अब रिटर्न स्टेटमेंट का अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो रेप्लिकेशन फाइल होती है, ये एक प्रोसेस है। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं, फिर उसी हिसाब से आगे लिस्ट ऑफ विटनेस जाता है, विटनेस को कॉल करने से पहले इश्यू फ्रेम होता है, इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। इसके अंदर अगर रिक्वायरमेंट होती है तो क्रॉस वगैरह भी कराया जाता है, तो पूरा प्रोसेस वहां पर आगे चलता है। फिर आखिरी में फाइनल हियरिंग आ जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये लगभग लगभग 2-3 से 4 साल ले लेता है। फिर भी मेरी लोगों को सलाह रहती है कि अगर आप जल्दी अपने केस का निपटारा करना चाहते हैं तो आपके पास मीडिएशन जैसा ऑप्शन भी है, जहां पर क्या होता है आप सभी फैमिली मेंबर है, पार्टीशन की मांग कर रहे हैं, आप चाहते हैं वैलिड लीगल तरीके से पार्टीशन हो, तो आप कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा ये मैटर कोर्ट प्रोसेस से ना चलाते हुए बल्कि मीडिएशन में भेजा जाए। मीडिएशन में 90 दिनों के भीतर यानी कि लगभग लगभग 3 महीने के भीतर आपका पूरा केस का निपटारा हो जाएगा। कोर्ट अपनी वहां पर फाइनल डिग्री पास कर देगा, उससे पहले प्रिलिमिनरी डिग्री आती है। तो ये एक प्रोसेस होता है, अगर आप कोर्ट प्रोसेस से चलेंगे ये तब होता है जब कोई फैमिली मेंबर मानने के लिए रेडी नहीं, फिर तो कोर्ट प्रोसेस ही चलता है। लगभग लगभग 3-4 साल वेट करना होता है। अगर सब लोग राजी हैं कोर्ट के थ्रू तो आप मीडिएशन में जा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊं जहां पर केस फाइल करने से लेकर
फाइनल डिग्री प्रॉपर मैं आपको समझाऊं कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस होगा, किस प्रोविजन से होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा पार्टीशन सूट की। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन लोगों के मन में होते हैं, क्या एक माइनर यानी कि जिसके 18 साल से कम उम्र है वो कोर्ट के थ्रू अपना हिस्सा पा सकता है? जी नहीं दोस्तों, उसको एटलीस्ट एक मेजर एज अटेंड करनी पड़ेगी, तब वो खुद जाकर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है और जो उसका हिस्सा है वो सेपरेटली अपना अलग करा सकता है। हाँ, अगर आप एक माइनर के हिस्से को बेचना चाहते हैं तब भी आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक प्रोसेस है जहां पर माइनर को एक्ट करना पड़ता है। दोस्तों अब साल 2023 की दो बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूं, एक एक करके केस डिटेल आपको बता दूं और दोनों जजमेंट में क्या हुआ वो भी मैं क्लियर कर दूं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो केस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उसकी डिटेल्स आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगी। केस टाइटल है प्रशांत कुमार साहू एंड अदर्स वर्सेस चारुलता साहू एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है 2913-2915-2018 और डेट ऑफ जजमेंट है 29 मार्च साल 2023। अब कई बार दोस्तों क्या होता है, कोर्ट में पार्टीशन सूट डाला जाता है, इस बीच आपस में वो जो पारिवारिक सदस्य हैं या पार्टीज हैं वो सेटलमेंट कर लेते हैं कि चलिए हम आपस में सेटलमेंट करके इस केस को वापस ले लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन में कंसेंट उनसे लिया जाता है, कंसेंट डिग्री कहते हैं, कंसेंट फॉर्म कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि 5 पारिवारिक सदस्य हैं, 2 लोग आपस में सहमति कर रहे हैं, 3 लोग नहीं कर रहे, तो वो क्या करते हैं कि हम 2 लोग सहमति कर रहे हैं, 3 नहीं कर रहे, तो तीनों का केस चलता जाएगा। जी नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक कंसेंट वहां पर ली जा रही है, सभी लोग आपस में सहमति जता रहे हैं, तो उस पर जितनी भी पार्टीज हैं केस के अंदर सभी की कंसेंट होनी अनिवार्य है। ये नहीं 2 से 3 लोग आकर अपना सहमति करके साइड हट रहे हैं, अगर पार्टीशन सूट में एक कंसेंट डिक्री ली जा रही है, आपस में लोग राजीनामा कर रहे हैं, तो सभी के सभी पार्टीज की सहमति होनी अनिवार्य है। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में साफ रूप से निर्धारित कर दी थी दोस्तों। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट इस चीज में क्लियर की। ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमारा केस तो साल 2005 से पहले ही डिसाइड हो गया है, तो क्या आज भी वुमेन अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट अपना हिस्सा ले सकती है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में वो चीज साफ तरीके से क्लियर की है, अगर केस के अंदर फाइनल डिग्री नहीं आई है, प्रीलिमिनरी डिग्री खाली पास की गई है और इसी बीच कानून में संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, तो आज भी उस अमेंडमेंट के तहत अपना हिस्सा लिया जा सकता है। हाँ, अगर केस में फाइनल डिग्री पास हो चुकी है तो उस केस को रीओपन नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर साल 2005 से पहले, साल 2020 से पहले कोई महिला ने अपने हिस्से का दावा किया और केस में फाइनल डिग्री आ गई है, तो महिला उस केस को रीओपन नहीं कर सकती। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करते हुए अपना कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।